गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। 30 जुलाई 2020 है आज। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और साथ ही साथ उनके साथ डिस्कस करें। जिस टॉपिक की एटलीस्ट मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ, उनका डिस्कशन अपने फ्रेंड के साथ जरूर करें। डिस्कशन से आपका नॉलेज भी इन्हेंस होता है, नॉलेज इनरिच होता है, बढ़ता है। और कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें आप लोग। तो आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है और कई बार स्टेट पीसीएस ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि मार्जिनल फार्मर है या सीमांत किसान किसे कहा जाता है जिसके पास जमीन उपलब्ध होती है 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में, ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, ऑप्शन सी 2 से 5 हेक्टेयर के बीच में, या ऑप्शन डी 5 से 10 हेक्टेयर के बीच में। जिसके पास जमीन उपलब्ध होती है उसे मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान कहा जाता है। वीडियो को पॉज करके इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में अभी दे दें और सारे लोग दें, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कोशिश करें इसका जवाब देने का। जैसे जैसे आपका जवाब अधिक से अधिक हमें आएगा, उसके बाद मेरा टारगेट है कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है डेली मैं इस तरह से वीडियो के शुरुआत में डालूँ आपके लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो आज का सबसे पहला टॉपिक है उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं कि वायुसेना के पराक्रम को मिली नई उड़ान। राफेल इंडिया आ चुका है, भारत का सबसे पुराना एयरबेस जो है वो आपको अंबाला में है, हरियाणा के अंबाला में भारत का सबसे पुराना एयरबेस है, वहां पे राफेल पहुंच चुका था। और कल दिन भर चर्चा में, कल क्या, पिछले एक वीक से लगातार राफेल को लेकर के चर्चा। तो राफेल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक पॉइंट आपको जानना चाहिए। देखो, विश्व का सबसे शक्तिशाली मुकाबला करने वाली जेट है, डिसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की, वो इसका निर्माण करती है। यह विमान ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने में माहिर है। भारत को इसकी ज़रूरत क्यों थी कि भारत नॉर्मली जो युद्ध करता है वो कश्मीर के आसपास युद्ध होता है या अरुणाचल प्रदेश के आसपास युद्ध होता है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, और ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये युद्ध करने में माहिर है। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पर अगर हमारे पास रहेगा यह राफेल, तो हमारे लिए चीन को इनकाउंटर करना, हमारे लिए पाकिस्तान को इनकाउंटर करना आसान हो गया, चिकु ये जगह ऊंचाई पर स्थित है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है, अधिकतम 24,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है ये, और अधिकतम रफ्तार जो है लगभग 2200 से 2500 किलोमीटर की है। यह 3800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है एक साथ, राइट। राफेल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि राफेल जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, राइट। परमाणु हथियार राफेल के माध्यम से किसी देश पे या किसी पर्टिकुलर जगह पे दागा जा सकता है, और चीन पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में किसी के पास यह मिसाइल नहीं है। ये जो मैंने कल काफ़ी चर्चा सुना इसके बारे में और उसके आधार पे मैं ये कोट कर रहा हूँ कि एशिया में जो है चीन पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में राफेल के कंपेयर में किसी के पास जेट नहीं है वैसा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान जो है रूस से खरीदा गया सुखोई था। तो आज से पहले जो है हमारे पास सबसे मेन जेट था वो सुखोई था, और राफेल की कई खासियतें उसे सुखोई से ज़्यादा कारगर बनाती हैं। राफेल की मारक क्षमता जो है 78 किलोमीटर से लेकर के 1055 किलोमीटर तक है, जबकि सुखोई की 400 से 500 किलोमीटर के रेंज में है। साथ ही साथ एक साथ यह 2 से अधिक लक्ष्य भेदने में सक्षम है, यानी राफेल अगर चल रही है और स्कैन करते हुए 2 जगह उसे मान लीजिए आतंकवादी गुट दिख गया, तो यहाँ और यहाँ एक साथ वो हमला कर सकती है। 2 जगह या 2 से अधिक जगह पे एक साल मिसाइल दागने में वो सक्षम है। तो बेसिक इतना इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी 2019 में राफेल मुद्दा काफ़ी चर्चा में था, क्यों, क्योंकि उस समय में चुनाव के समय था और ऐसी कंडीशन में राफेल घोटाला का भी इल्ज़ाम कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा था, तो उस समय में काफ़ी चर्चा में था, अभी चर्चा में नहीं है, इसलिए राफेल मुद्दा आपसे नहीं पूछेगा, राफेल का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है आज का वो है कि 3.5 दशक बाद शिक्षा में बदलाव की जमीन तैयार।
भारतीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, भारत की शिक्षा नीति आई थी, और उसके बाद आई है 2020 में जो है ड्राफ्ट भी आया है। तो 1986 के बाद अभी इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो वर्तमान की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए इसको लाया गया। तो यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, यहाँ बेसिक पॉइंट दिया हुआ, देखो यहाँ पे स्कूली शिक्षा में किस तरह से बदलाव किया जाएगा, अध्यापन में किस तरह से बदलाव किया जाएगा, और उच्च शिक्षा का उच्च स्तर किस तरह से उच्च होगा। तो इसको लेकर के कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ डाला था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की मुख्य विशेषता का एक पीडीएफ डाला था, पता नहीं आप लोगों में कितने लोगों ने देखा। ये सरकार की एक मसौदा है, अभी सरकार का एक ड्राफ्ट है, सरकार इस तरह से नीति इम्प्लीमेंट करने वाली है या इस तरह की नीति सरकार संसद में पेश करेगी, राइट। ये लगभग 22 पेज का है, मैं इस पर डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर मुझे मौका मिलेगा, समय मिलेगा आज, तो कोशिश करूँगा कि इस पर एक अलग से वीडियो लाया जाए, चूँकि एक दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस में संभव नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए डिटेल में या कंप्लीट में। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हिंदी में दिया हुआ, देखो स्कूल के लिए सरकार क्या करेगी। उच्चतर शिक्षा के लिए सरकार क्या करेगी, राइट। तो इतना टोटल 22 पेज का दिया हुआ, एक बार जाकर के खुद से पढ़ लेना। मुझे समय अगर मिलेगा तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जितने भी लोग आप देख रहे हो वीडियो, जाकर के ज्वाइन कर लो। इस तरह के जो भी पीडीएफ होता है मैं कोशिश करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देने का, राइट। देखो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जताई भारत से व्यापार सहयोग की इच्छा। तो एक मीटिंग हुआ है, विदेश मंत्री का मीटिंग हुआ है तीनों देशों के, और वहाँ पे जो है दोनों ही देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भारत के साथ व्यापार सहयोग की इच्छा जताई है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि क्वाड के बारे में हम जानते हैं, क्वाड के जो है चार देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है क्वाड का पार्ट, एक यूएसए है, एक जापान है और एक इंडिया। चार देश क्वाड का पार्ट है, चार देश में तीन देश जो है मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज भारत, अमेरिका और जापान, ये तीनों देश मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार जो है भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इनविटेशन दे रहा है, और मोस्ट प्रोबली ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब चीन की शक्ति विश्व में बढ़ रही है, हिंद महासागर में चीन की शक्ति बढ़ रही है, तो उसको इनकाउंटर करने के लिए हमें क्वाड की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मुझे लगता है कि क्वाड को जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, कि क्वाड को जो है नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि नाटो के किसी भी देश पे आक्रमण का मतलब है कि अमेरिका पे आक्रमण। नाटो के किसी भी देश पे अगर कोई भी देश आक्रमण करता है, मान लो चीन नाटो के किसी मेंबर पे आक्रमण करता है, टोटल 29 मेंबर हैं, तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका पे आक्रमण हुआ, यानी उसके जवाब में अमेरिका और नाटो के जितने देश हैं मिल करके चीन को इनकाउंटर करेंगे, राइट, चीन पे हमला करेंगे। लेकिन नाटो में ऐसा नहीं है, नाटो में ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें क्वाड में ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्वाड को हमें नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी देश पे हमला, यानी भारत पे अगर चीन हमला करता है तो वो अमेरिका पे हमला हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया पे हमला हुआ और वो जापान पे हमला हुआ, ऐसे कंडीशन में ये तीनों देश मिल करके चीन के खिलाफ एक्शन लेंगे, राइट। तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप। साथ ही साथ ये देखो, ये न्यूज़ भी आपको इसी संदर्भ में समझ सकते हो कि हिंद महासागर के देशों में हमारी जो महत्ता है हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्रीलंका में चीन पैसा निवेश कर रहा है, जिबूती में चीन ने पैसा निवेश किया है,
अफ्रीका के देश में किस तरह से चीन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें हिंद महासागर इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडियन ओशन कहा जाता है उसे। विश्व का इकलौता ऐसा महासागर है जो इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हिंद महासागर में हमारी संप्रभुता रखने के लिए, हमारी प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि इन देशों का हम मदद करें जो छोटे छोटे देश हैं। और इसी कंडीशन में देखो यहाँ पे विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि 5.75 बिलियन डॉलर अरब डॉलर की जो मदद की जा रही है, किसकी, तो मॉरिशस की जा रही है। और इसके साथ साथ किया जा रहा है आपको मालदीव का, इसका मदद किया जा रहा है, अन्य देशों का भी मदद किया जा रहा है। कितना मदद किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है समझना है कि हिंद महासागर में भारत अपनी संप्रभुता बढ़ाने के लिए, हिंद महासागर में भारत अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, हिंद महासागर में चीन को इनकाउंटर करने के लिए भारत कई देशों का मदद कर रहा है, जिसमें हमारे सहयोग मालदीव हैं, हमारे सहयोग मेडागास्कर हैं, हमारे सहयोग मॉरिशस हैं, हमारे सहयोगी जो है फ्रांस है। फ्रांस का एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड यूनियन आइलैंड आपको हिंद महासागर में है, री यूनियन आइलैंड, सॉरी, फ्रांस के इम्पॉर्टेंट आइलैंड का नाम है री यूनियन आइलैंड, जाकर के लोकेशन इसका देख लेना, आप खुद से चेक कर लेना, री यूनियन आइलैंड गूगल मैप में आपको मिल जाएगा, लोकेशन देख लेना। साथ ही साथ अमेरिका का भी सहयोग हमें मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका का भी एक इम्पॉर्टेंट नेवल बेस यहाँ पे है डिएगो गार्सिया में, डिएगो गार्सिया में अमेरिका का इम्पॉर्टेंट नेवल बेस है हिंद महासागर में, मालदीव के जस्ट नीचे है। तो वहाँ भी भारत को एक्सेस मिल रहा है, भारत को मदद मिल रहा है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने दी पर्यावरण चुनौती को मंजूरी देने की इजाजत। हुआ क्या था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, 2019 में इसको ड्राफ्ट किया गया, अभी के समय में लगातार चर्चा में है। तो इस प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल चुका था, लेकिन उसके बाद भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको कि देखो इसके तहत संसद भवन बनेगा और संसद भवन त्रिकोणमिति के शेप में बनेगा। इस बार हमारा संसद भवन इस तरह से गोलाकार है, लेकिन इस बार जो बनेगा वो त्रिकोणमिति के शेप में बनेगा। साथ ही साथ इंडिया गेट से लेकर के, दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जो इम्पोर्टेंट दोनों साइड में मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्री मिनिस्ट्री है, उसके बाद वित्त मंत्रालय है, कई सारे मंत्रालय दोनों के बीच में है, संसद भवन भी है, तो इन सारे भवनों को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया जाएगा। इसका निर्माण अंग्रेज के समय में हुआ था, लुटियंट ने इसका ड्राफ्टिंग किया था। तो अभी ज़रूरत है, जब इस भवन का 100 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में नया भवन का निर्माण किया जाए, इसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। बेसिक थोड़ा याद रख लेना, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण याचिका या पर्यावरण चुनौती को मंजूरी दी, ये अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अधिक इम्पॉर्टेंट है। देखो इस पेज में पूरा चर्चा दिया हुआ है, ये जो पेज है ना शिक्षा का नया युग, इसमें चर्चा का पूरा विषय बना हुआ है ड्राफ्टिंग पॉलिसी, एजुकेशन ड्राफ्टिंग पॉलिसी 2019 का। हाँ, यहाँ पे मुझे आपके साथ थोड़ा सा चर्चा करना है कि लचीलेपन के गुणवत्ता के मानक पर सख्ती। और यहाँ पे देखो एक कमीशन का जिक्र है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, यूजीसी जो है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जितने भी देश की यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, तो यूजीसी करती है। अब इसके जगह पे एक नई संस्था का प्रावधान किया गया था जो लगातार चर्चा में था, पहले 19 में लगातार इस पर चर्चा थी कि अगर एजुकेशन पॉलिसी नई आएगी तो उसमें ये संस्था बनेगा, तो यूजीसी की जगह एक नई संस्था बनाने का जिक्र है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यूजीसी की जगह एक नई संस्था बनेगी।
तो थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा आज ही कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के मैं एक बार डिटेल से डिस्कस करूं, एक नया वीडियो लाऊं एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। इस पेज पे पूरा आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग ही दिया हुआ, और साथ ही साथ वेलकम राफेल, इस पेज पे पूरा आपको राफेल के बारे में दिया हुआ। ओके, यहाँ पे इसको एक बार पढ़ सकते हैं। काला पानी लिम्फिया थोड़ा में घुसपैठ की कोशिश में नेपाल। काला पानी और लिम्फिया थोड़ा भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वर्तमान में जो नेपाल की सरकार है उस सरकार ने काला पानी और लिम्फिया थोड़ा को दोनों को दर्शाया है नेपाल के अंतर्गत। और अब नेपाल जो है भारत से कोशिश कर रहा है, चीन के सह पे भारत के साथ पंगा लेने की वो कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का डिस्प्यूट आपको सुनने को मिलेगा। तो लोकेशन ये अधिक इम्पोर्टेंट है, काला पानी कहाँ है, लिम्पिया थोड़ा कहाँ है, लिपू लेक दर्रा कहाँ है, ये आपको जा कर के देख लेना चाहिए। मैप पे जा कर के इसको चेक करके आप देख लेना। और ये तीनों ही पार्ट है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का। आई रिपीट, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिले का पार्ट है काला पानी, लिम्पिया थोड़ा और लिपू लेक। लिपू लेक वो जगह है जहाँ से हम चीन के साथ व्यापार करते थे, राइट। देखो ये जो है न्यूज़, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा किया गया, व्यर्थ का बोझ बढ़ाने वाली व्यवस्था। अब देखो कई सारे लोगों ने मुझे बताया या पूछा है कई लोगों ने कि सर मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए किस तरह से हम नोट्स बनाएं, तो उसके रिगार्डिंग में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। ये जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है डॉक्टर प्रियंका, हालांकि ये परिवर्तित नेम है, ओरिजिनल नेम नहीं है। एक महिला डॉक्टर थी और ये महिला डॉक्टर आपको हैदराबाद की थी। इनका जो है इनका इनको कुछ लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद जो है इसकी मृत्यु मतलब मार दिया इसको, राइट। डॉक्टर प्रियंका को कुछ लोगों ने जो है रेप किया और उसके बाद उसको जो है मार दिया। जिस रात डॉक्टर प्रियंका गिरफ्तार हुई थी, सॉरी जिस रात डॉक्टर प्रियंका गायब थी, तो उसके घर नहीं पहुंचने के कारण उसके माता पिता चिंतित हुए और उसके बाद जो है उसके माता पिता पुलिस के पास गए। पुलिस के पास गए कि हमारा केस रजिस्टर्ड कर लीजिए, कि हमारी बेटी मिल नहीं रही है, आप केस रजिस्टर्ड कीजिए। पुलिस जो है उसको ये करके बोलती थी कि आप इस थाने से अन्य थाने जाइए, ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। उसके बाद अन्य थाने से अन्य थाने उसको भेजा जाता था। इस तरह से रात भर जो है उनके परिजन जो है पुलिस का चक्कर लगाती रही। एक थाना से दूसरे थाना, दूसरे से तीसरे थाना उसको भेज दिया जाता था कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अंतोगत्वा नेक्स्ट दिन पता चला कि उसकी जो है हत्या कर दी गई है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर कहीं भी रेप की घटना होती है तो आपके क्षेत्राधिकार में आए या नहीं आए, किसी भी थाना के क्षेत्राधिकार में आए या नहीं आए, आप उसे गिरफ्तार, आप उसका FIR दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट है कि आप FIR दर्ज करें, भले ही आपके क्षेत्राधिकार में कोई भी मैटर आता है या नहीं आता है जो रेप से संबंधित हो, जो महिला उत्पीड़न से संबंधित हो, राइट। अब क्या हुआ कि पुलिस ने जो है नेक्स्ट डे जो है उसका इनकाउंटर, उन लोगों का इनकाउंटर हो गया जो चार लोगों को पकड़ा गया पुलिस। जब पूरे देश में हैदराबाद पुलिस की बदनामी होती है तो हैदराबाद की पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा और उसको इनकाउंटर कर दिया। अब सवाल यह होता है कि वो जो चार व्यक्ति थे वो क्या सही में केस से जुड़े हुए थे या किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ कर इनकाउंटर कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, चूंकि देश भर में हैदराबाद पुलिस की जो है बदनामी हो रही थी उस समय में। इसी तरह का कुछ मैटर हुआ आपको विकास दुबे को लेकर के उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक न्यायिक आयोग की स्थापना की, जांच एजेंसी की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की स्थापना किया हैदराबाद के केस में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की स्थापना किया विकास दुबे के केस में भी। देखो मेरा कहना है कि पुलिस जो है पुलिस के हाथ में अनलिमिटेड पावर नहीं दिया जाना चाहिए, हालांकि पुलिस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, पुलिस को रिफॉर्म्स किया जाना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है,
इनकाउंटर देश में क्यों बढ़ रहा है, इसको लेकर के मैंने पहले भी आपको बताया कि न्यायपालिका अगर डिले करेगा, जुडिशियल सिस्टम देश का अगर डिले करेगा, तो इसी तरह से इनकाउंटर होगा। एक व्यक्ति जो एक्यूज्ड होता है उसको साबित करने में आपको 10 से 15 साल लग जाता है, क्या ये आपकी काबिलियत पे शक नहीं है? बिल्कुल है। तो न्यायपालिका को आज सोचना पड़ेगा कि जो इतना संगीन मामला होता है, रेप का मामला होता है या इस तरह का मामला होता है, वैसी कंडीशन में उसका त्वरित न्याय कीजिए, 1 महीना से 2 महीने के अंदर डिसीजन दीजिए उस पर। अदरवाइज लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर नहीं होगा और लोकतंत्र के लिए खतरे की स्थिति होगी। चलो, ये सब इमोशनल पॉइंट है, मैं इससे आगे बढ़ के जो है इस न्यूज़ पे आता हूँ। तो हुआ क्या कि हैदराबाद के इनकाउंटर के बाद जो है एक समिति गठित की गई। इस समिति में जो है जो सदस्य हैं उसको 1.5 लाख रुपये प्रति सुनवाई दिया जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ, उच्चतम न्यायालय ने जांच आयोग 1972 के तहत एक जांच कमेटी गठित की है और इसे जो है 1.5 लाख रुपये प्रति सुनवाई इसको दिया जाता है। और साथ ही साथ 2 अन्य सदस्य हैं इस कमेटी में, जो अध्यक्षता करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ रिटायर्ड जस्टिस हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। और साथ ही साथ जो 2 अन्य मेंबर हैं उसको मिलता है 1 लाख रुपया प्रति सुनवाई। उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व जज हैं और एक सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं, उसे भी 1 लाख रुपये प्रति सुनवाई मिलती है। तो ये के सारे का सारा जो है खर्च होता है। दिसंबर 2019 में गठित कमेटी गठित किया गया था और इसको सुनवाई कम से कम दिसंबर से लेकर के जनवरी और फरवरी तक में सुनवाई कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन मार्च में जो है ये लॉकडाउन लग गया और अभी इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो आप सोच सकते हो कितना न्यायपालिका पे खर्चा होगा। खर्चा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी खर्च होने वाला है। न्यायपालिका को सक्षम होना चाहिए कि दिसंबर से लेकर के जब ये कमेटी गठित की गई थी तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक में इसको सुनवाई कर दी जानी चाहिए थी। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जांच आयोग 1972 के तहत इसका गठन किया गया। अब देखो नोट्स आपको क्या बनाना है, मैं इस आर्टिकल से सहमत नहीं हूँ बहुत। मुझे लगता है कि जांच आयोग पे पैसा खर्च करना देश का बर्बादी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। करना चाहिए हाँ, लेकिन उसको एफिशिएंट बनाना चाहिए। अगर मान लो जांच आयोग बनाया गया है तो वो 1 महीने के अंदर जाँच कर दें। तो आपको नोट कैसे बनाना है कि जब न्यायपालिका की व्यवस्था के संदर्भ में लिखोगे तो आप अगर चुनौती कुछ लिख रहे हैं, इसमें कुछ नकारात्मक पॉइंट मिल गए, तो नेक्स्ट डे अगर कोई आर्टिकल आ गया जिसमें न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ सकारात्मक संदर्भ दिया जाएगा तो उसको नोट कर लेना। तो नकारात्मक पॉइंट यहाँ से 3 पॉइंट दिया हुआ तो उसको नोट कर लो। नेक्स्ट कभी फिर आर्टिकल आएगा तो फिर सकारात्मक पॉइंट देगा, उसको नोट कर लो। तो इस तरह से एक कंप्लीट आपका नोट्स क्लियर हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा 3 बेसिकली पॉइंट की चर्चा राइटर का कहना है। पहला राइटर का कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हर एक मैटर पे, विकास दुबे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर रही कमेटी, इसी तरह से हैदराबाद इनकाउंटर के मामले में आपने कमेटी गठित किया, अन्य मामले में आप कमेटी गठित कर रहे हैं, तो हर एक डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट लेगा तो जिला न्यायाधीश क्या करेगी? और क्या जिला न्यायाधीश पे आपको भरोसा नहीं है? दूसरा बात इन्होंने ये कहा, क्या रिटायर्ड जस्टिस अपनी सेवा स्वैच्छिक रूप से बिना भुगतान के नहीं दे सकते हैं? यानी रिटायर्ड जस्टिस को पैसा चाहिए ही चाहिए। और तीसरा बात इन्होंने ये कहा कि क्या जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, मान लो चीफ जज हैं, तो वो क्या स्थानीय लोगों की जो गवाह होगी, हैदराबाद केस में मान लो स्थानीय लोग जो गवाह दिए होंगे, सारे लोग तेलुगु में दिए होंगे, तो क्या तेलुगु उन्हें आता है? स्थानीय लोग जो गवाह दिए होंगे क्या उनको गवाह वो दर्ज कर सकते हैं? तेलुगु भाषा की समझ है उन्हें? नहीं है। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट का राइटर का डिस्कशन है, जो चुनौती है इस तरह के संदर्भ को लेकर के, विकास दुबे के संदर्भ को लेकर के, इनकाउंटर व्यवस्था में न्यायपालिका को लेकर के ये सारी चुनौती दिखती है। देखो तरक्की में हम सफर बनी मुस्लिम महिलाएं, कल हमने डिस्कस किया था ट्रिपल तलाक को लेकर के। 5 अगस्त भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन में से है। 5 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए फाइनली एक्ट पारित हो गया था। इससे पहले भी राइटर का कुछ कहना है, और राइटर खुद मंत्री हैं,
कि मिस्र दुनिया का पहला इस्लामिक देश है जिसने 1929 में ही ट्रिपल तलाक को बैन किया। सूडान इसके बाद भी ट्रिपल तलाक को बैन किया। 1956 में जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान देश है, रूढ़िवादी देश है, उन्होंने 1956 में ही ट्रिपल तलाक को बैन किया। 1972 में बांग्लादेश ने बैन किया। 1959 में इराक ने बैन किया। 53 में सीरिया ने बैन किया और 69 में मलेशिया ने बैन किया। तो ये सारे के सारे जो देश हैं इसमें कुछ रूढ़िवादी देश है, पाकिस्तान जैसा रूढ़िवादी देश है जिसने काफ़ी पहले ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। तो हमें भी निश्चित तौर पे इतना समय नहीं लगना चाहिए था, देश में राजनीति उस ओर ले गई इसलिए हमें समय ज़्यादा लगा। बाकी कल का वीडियो देख लेना, ट्रिपल तलाक पे कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। देखो, आत्मनिर्भर के संकल्प से संभव व्यापक बदलाव। हालांकि आत्मनिर्भर भारत को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया, दो चीज़ें मैं यहाँ पे बेसिकली आपसे डिस्कस करता हूँ। पहली बात क्या है कि आत्मनिर्भर भारत हम लोग अचानक नहीं हो सकते हैं, एक दिन में हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें एक अच्छा समय लगेगा, लॉन्ग टर्म समय लगेगा। इसके लिए दो रणनीति बनानी चाहिए और उसका चर्चा इस आर्टिकल में भी है। पहला तो आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाइए और दूसरा आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाइए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की जगह या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में जो सामान आपको लगता है कि चीन से हम इमिडिएटली आयात करना बंद कर सकते हैं, उसका आप लिस्टिंग कीजिए। जैसे मान लो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए कि जो इमिडिएट सामान आप चीन से मंगाना बंद कर सकते हैं और ये सुझाव दे सकते हैं। जैसे आपको आत्मनिर्भर भारत में सरकार को क्या करना चाहिए, ये सुझाव अगर आपको देना हो, मेंस में लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी लघुकालीन लक्ष्य, उसमें सरकार को क्या करना चाहिए कि जो सामान सरकार इमिडिएटली लाना बंद कर सकती है चीन से, उसको हमको लिस्टिंग करना चाहिए। जैसे हम लोग पीपी किट हमने बनाना शुरू किया और कुछ समय में हम आत्मनिर्भर हो गए। तो इस तरह से जो शॉर्ट शॉर्ट सामान है, छोटा छोटा सामान है, उसको हमें एक निश्चित समय सीमा में 6 महीना के अंदर उसको हम चीन से मंगाना बंद कर दें और इंडिया में उसको बनाना शुरू कर दें, राइट। दूसरा स्ट्रेटजी है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो एक तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, दूसरा है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होना चाहिए। 5 वर्ष का इसमें टारगेट सरकार ले, 5 से 10 वर्ष का। जैसे मोबाइल का, मोबाइल हम इमिडिएटली जो है चीन से मंगाना बंद नहीं कर सकते क्योंकि भारत का मोबाइल अभी सक्षम नहीं है। इसी तरह से कैमरा हो गया, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, तो उसमें लॉन्ग टर्म आप समय लीजिए, 5 वर्ष का समय लीजिए और 5 वर्ष में अपने घरेलू मार्केट को इतना डेवलप कर लीजिए कि आपको चीन से मंगाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसी तरह से हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आज के आज हमने पूरा चाइना को बैकआउट कर दिया। अब पता चलेगा कि कल के डेट में अगर इस तरह से हम किया तो नेक्स्ट डे जो है मार्केट में काफ़ी कीमत बढ़ जाएगी या ब्लैक में वो सामान मिलेगा या चीन का जो सामान है हमें किसी अन्य देश के मार्ग से मिल सकता है। जैसे मान लो बांग्लादेश, चीन अपना सामान बांग्लादेश को भेजेगा और बांग्लादेश इंडिया को भेजेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, और होता ही है। पाकिस्तान के केस में ऐसा होता है, पाकिस्तान हमसे डायरेक्टली सामान नहीं खरीदता, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कि जो हम यूएई को भेजते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, तो यूएई जो है हम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको हम बहुत सारे सामान भेजते हैं और यहाँ से पाकिस्तान मंगाता है। तो पाकिस्तान हमसे डायरेक्टली नहीं मंगाता लेकिन इनडायरेक्टली मंगाता है और ऐसी कंडीशन में उसको अधिक कॉस्ट पड़ता है। तो ऐसा कंडीशन हमारा चीन के साथ ना हो कि चीन का सामान हम किसी अन्य देशों के माध्यम से मंगाना शुरू कर दें, राइट, और प्रत्यक्ष तौर पर चीन का सामान मंगाना शुरू कर दें। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, दीर्घकालीन दृष्टिकोण और लघुकालीन दृष्टिकोण दोनों ही बनाने होंगे। एक बार पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चूंकि हमने कई बार डिस्कस किया है आत्मनिर्भर भारत के बारे में इसलिए हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किया, लेकिन उस पॉइंट को हमने डिस्कस जरूर कर दिया आपके साथ जिसकी चर्चा आज इस न्यूज़ में की गई है। देखो वही बात यहाँ पे दिया हुआ जो चर्चा हमने एडिटोरियल में किया है कि छोटे आया आइटम में चीन पर निर्भरता घटाने की तैयारी में सरकार, यानी जो छोटा आइटम है, लघु आइटम है जिस पे हम खुद बना सकते हैं, उसको हम चीन से मंगाना बंद करें, इसके लिए हम
जो कंपनी है कंपनी को जो है पैसा देना शुरू करें, कंपनी को हम प्रोत्साहन देना शुरू करें। जैसे एपीआई है, एपीआई को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का कच्चा माल कहा जाता है, एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसे कहा जाता है, और किसी भी की दवाई को बनाने में इसकी आवश्यकता होती है। तो इसको बनाना हम शुरू कर देंगे ताकि हम चीन पे अपनी निर्भरता घटा लेंगे। तो इस तरह से वो सामान जिसको हम इंडिया में इमीडिएटली बनाना शुरू कर सकते हैं, तुरंत बनाना शुरू कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना होगा, राइट। दूसरा, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम जो है भारत का सबसे अधिक, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और 2 वर्ष लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 वर्ष लगातार इस पर क्वेश्चन रहा है कि भारत जो है, भारत का विदेशी मुद्रा खर्च होता है सबसे अधिक किसी चीज़ को आयात करने में, तो वो होता है तेल। भारत का विदेशी मुद्रा अगर किसी खाद्यान्न चीज़ों को लेकर के, कृषि चीज़ों को लेकर के आयात करने में सबसे अधिक खर्च होता है, कृषि उत्पाद के आयात में सबसे अधिक खर्च होता है, तो वो तेल को होता है। यानी सबसे अधिक हम तेल जो है मंगाते हैं विदेश से कृषि उत्पाद में, अन्य कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहा हूँ कृषि उत्पाद में सबसे अधिक हम तेल मंगाते हैं, खाद्यान्न तेल विदेश से मंगाते हैं, और उस खाद्यान्न तेल का जो है 80% हिस्सा, 80% हिस्सा हमारे देश में जितने खाद्यान्न तेल की ज़रूरत होती है उसका 70% हम विदेश से मंगाते हैं, और खाद्यान्न तेल में टोटल 80% पाम ऑयल होता है, जो बेसिकली हम मंगाते हैं कहाँ से, तो मंगाते हैं इंडोनेशिया से, मंगाते हैं मलेशिया से, और हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाम ऑयल का उत्पादन किया जा सकता है, इसको लेकर के सरकार काम कर रही है और उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। दूसरा, पाम ऑयल इम्पोर्टेंट क्यों है कि आपने बीच में सुना होगा कि इंडिया और मलेशिया के जो है संबंध काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो ऐसे कंडीशन में भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल मंगाना बंद कर दिया था और उसके बाद मलेशिया की अर्थव्यवस्था पर इसका काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ा था, राइट। तो इसलिए पाम ऑयल लगातार चर्चा में है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप जाकर के इसको देख लेना। तो इसको पढ़ने का दृष्टिकोण आपका ये होना चाहिए कि हमारा एक तो मलेशिया के साथ संबंध खराब हुआ, दूसरा हम सबसे अधिक मंगाते हैं कृषि उत्पाद में पाम ऑयल, और तीसरा जो है कृषि उत्पाद जो तेल मंगाते हैं, जो खाद्यान्न तेल मंगाते हैं उसमें भी सबसे अधिक पाम ऑयल मंगाते हैं, राइट। देखो ये जो है लोकेशन यूएई में जहाँ रुके थे, फ्रांस से जो हमारा मिसाइल आ रहा था, ये राफेल आ रहा था जेट, तो फ्रांस से आया कहाँ पे, तो यूएई में आया, और यूएई से आपको इंडिया आया। तो ऐसे कंडीशन में यूएई के पास ईरान अपना परीक्षण कर रहा था बैलिस्टिक मिसाइल का, और हरमुज जल संधि के पास कर रहा था। तो ये लोकेशन अधिक याद है, जाकर के का लोकेशन अपने मैप पे देख लेना, हरमुज जल संधि, वहाँ पे ईरान अपने मिसाइल का परीक्षण कर रहा था और हमारा राफेल जेट रुका हुआ था कहाँ, यूएई में रुका हुआ था, राइट। तो यहाँ पे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है हरमुज जल संधि। एक रिपोर्ट है, जाकर के एक बार आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण से भारतीय की उम्र में औसतन 5.2 साल की कमी, यानी हम WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक के अनुसार अगर काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे एयर पोल्यूशन में, तो हमारी औसत आयु 5.2 वर्ष बढ़ सकती है। चलिए इतना ही न्यूज़ था आज हमारे पास, चलते हैं क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सीमांत किसान मार्जिनल फार्मर किसे कहा जाता है, तो याद रख लेना देश में लगभग 88% के आसपास, 85-88% एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होता है जिसके पास भूमि होती है 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में, 0 से 1 हेक्टेयर यानी मार्जिनल फार्मर यानी सीमांत किसान, और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास ज़मीन होती है वो होता है स्मॉल फार्मर यानी लघु किसान। तो दोनों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, 0 to 1 हेक्टेयर और 1 to 2 हेक्टेयर स्मॉल फार्मर लघु किसान। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि लॉन्च किया गया था
जिसके तहत मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को जो है पैसा दिया जाता था, राइट। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।